हरियाणा के युवाओं के हितों को लेकर रोजगार पैदा करने के लिए और किसानों छोटे व्यापारियों के हितों की ओर हरियाणा की किसी भी सरकार ने नहीं दिया कोई ध्यान। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने कैथल की अनाज मंडी में आयोजित सम्मान समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करने और आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं, पीने का स्वच्छ पानी एवं स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता की भलाई के लिए वे पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। नहीं, ये तो देखिए हरियाणा के लोगों की एक ये मन की इच्छा थी, तो इसलिए मैं आया हूँ और लोगों का काम करेंगे, खुल के करेंगे। अब जैसे तुम्हें चिंता थी, आप दो बार सांसद रहे, कभी यहाँ पे व्यापार नहीं लेके आए, तो आप इस दृष्टि से क्या कहना चाहते हैं? मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे ऐसी चीज़ें मैं सुझाऊंगा हरियाणा सरकार को और भारत सरकार में भी कि जो हरियाणा के अंदर व्यापार उद्योग धंधे बढ़ें, जिसके कारण से यहाँ पे रोजगारों की एम्प्लॉयमेंट की स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो। कैथल से अजार टीवी न्यूज़ के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।